पापा को देखती हूँ, पापा कह रहे यहाँ चल, मैं यहाँ आता हूँ तो मेरा भाई गिरा 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 हुआ पड़ा था। मेरा भाई 6 फुट का था, उसको कोई नहीं मार सकता था, पर उसने जान मुझ को उसको दारू पिलाई, वहाँ ले गया, उससे पैसे मंगवाए। बताओ आप 50,000 रुपये उससे मंगवाने का क्या मतलब था? माँ से बोली थी मेरा बेटा मरवा दो, 5 मिनट में मेरा 25 साल का ऐसे ऐसे फिल्टर तेरे को फांसी होनी चाहिए, फांसी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूँ टैगोर गार्डन के रघुवीर इलाके में। यहाँ पे एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है। यहाँ पे 25 साल के नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। और ये बताया ये जा रहा है कि ये जो 25 साल का लड़का था, इसका नाम हेमंत है और इसका दोस्त था निखिल। निखिल ने हेमंत को 40,000 रुपये लेके बुलाया और उसके बाद उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। पुलिस से पता चला ये है कि हेमंत निखिल के साथ उसके 2 दोस्त और थे जो इसमें शामिल हैं। मतलब कुल मिला के 3 लोगों ने हेमंत का कत्ल किया है। आइए इनके घर वालों से बात करते हैं। हम अभी उसी स्पॉट पर है जहाँ पे हेमंत का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। निखिल के ऊपर भी चाकू लेके भागा है, फिर वो बाद में यहाँ से जब कांड कर दिया है, वहाँ गाली दे रहा है, मैं नीचे उतर रहा हूँ तो वो निकल के ऊपर भी चाकू लेके भागा, उसके घर तक भी गया। फिर वो लोग वो भाग गए तो उसके बाद में वो पीछे पीछे भाग गए वो लोग। फिर उसने 100 नंबर पे फ़ोन करा, फिर पुलिस आई है, पुलिस अपने अरेस्ट लेके नहीं उसको गवाह बनाया। वहाँ जाके उसने जो गवाही दी है कि हाँ मेरे सामने हेमंत का। ये जो पीछे हम घर देख रहे हैं ये निखिल का ही घर है? नहीं, वो निखिल का घर उधर है, तीसरे व्यक्ति का घर है ये, किसी और का। सर आपको आपको कैसे मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि मेरा भाई खत्म हो गया। मैं घबरा गया, पापा क्या कह रहे हो? मैंने मम्मी को बताया, मम्मी पापा ऐसे बता रहे। तो हम दोनों भागते हुए आए, मैं नीचे आता हूँ तो मैं पापा को देखता हूँ, पापा कह रहे यहाँ चल, मैं यहाँ आता हूँ तो मेरा भाई गिरा हुआ पड़ा था। मेरा भाई 6 फुट का था, उसको कोई नहीं मार सकता था, पर उसने जान मुझको उसको दारू पिलाई, वहाँ ले गया, उससे पैसे मंगवाए। बताओ आप 50,000 रुपये उससे मंगवाने का क्या मतलब था? वो बेचारा डेली काम करता है, उतनी मेहनत करता है, वो अपनी 4-5 महीने की कमाई इकट्ठी कैसे ला सकता था? उसने जान मूझ के उससे वो पैसे मंगवाए, उस पैसे की फ़ोटो खींच के स्टेटस पे लगाई, सब किया धराया उसी का। मेरे भाई की जिस लड़के ने मारा उससे कोई दुश्मनी थी, उसकी निखिल से दुश्मनी थी। 17 तारीख को भी वो लड़का कह रहा था कि मैं निखिल को मारूंगा, मेरे भाई की कोई दुश्मनी थी, पर निखिल चाहता था कि ये दोनों आपस में लड़ें और उसका मामला ख़त्म हो। ये सब किराया मर्डर होने के बाद भी निखिल ने कुछ नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, वो चाहता था कि वो ना फंसे। और बाद में भी उसने 100 नंबर पे पुलिस में फ़ोन कर दिया और कुछ नहीं बता रहा। मेरे पिताजी ने उससे कई बार पूछा कि तू बता मेरा लड़का कहाँ है, उसने नहीं बताया। उसके मन में क्या है हमें नहीं पता, पर निखिल पूरा दोषी है इसमें। हमें निखिल से पूरी रंजिश है, अब उसको जेल की सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। हमारा दोषी निखिल पूरा पूरा है और वो लड़के जो 2 थे वो भी दोषी हैं हमारे। और वो मामा चाय वाला जहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ, जहाँ मेरा भाई चाय पीने गया था सबसे, वो चाय वाला कुछ नहीं बता रहा, वो चाय वाला बिल्कुल अनजान बन के बैठा है, वो अपने राज खोलने को तैयार नहीं है। उसको साँचियों का आता है, पता नहीं किसका आता है, पर वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो लड़के थे मारने वाले वो डर की वजह से नहीं बोल रहे। वो जो 2 लड़के थे वो साँचियों के पास काम करते थे, इसलिए वो मामा चाय वाला वो कुछ नहीं बता रहा। मेरा भाई उसी के पास चाय पीने गया था, वो जब तक नहीं बताएगा तब तक सच सामने आएगा। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे खून के स्पॉट अभी भी हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि ये सब दिखाएं ज़रा पब्लिक को। अभी निकल के मम्मी से भी बात करते हैं, माँ से बात करते हैं। निकल ने फोन करा था, निकल के साथ में गया था, निकल नहीं पता नहीं वो क्या करे पुलिस में, और वो जो धुरम नाम का कोई पकड़ा गया उसी को भी वो बुला के लिया गया था, पीछे ही निखिल ने बुलाया। निखिल और हेमंत कितने साल से दोस्त थे? ये पता नहीं, 3 साल है गए बेना, 2-3 साल से मैं मने करे ही मन की मत रहे बेटा, वा के संग हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। उसे जानते हैं इतना नहीं जानते। निखिल ने फोन करा है 4 बजे और उसे बुलाया, उसके साथ चाय वाय पिए, फिर
उसके सारे वो गुंडे वगैरह जो भी है वो आ गए। मैं मृतक का भाई हूँ, उसको हम घर वाले मना करते थे कि उसके साथ मत रह, उस पर पहले ही एक चोरी का, एक रेप का, और उसने पहले भी हमारे एक हमारे भाई को साथ में जो रहते थे हमारे उनको चाकू लगवा दिए थे। उस लड़के का कोई काम नहीं था, वो दूसरों को ऐसे लोगों को पकड़ता था जिससे वो पैसे ऐट सके। मेरे भाई जो काम करता था डेली काम पे जाता था उससे उसने पैसे ऐटने के चक्कर में उसे घर भेजा, उससे 40,000 रुपये मंगवाए और उन पैसों से फोटो खींच के स्टेटस पे भी लगा रहा है। और जो जिस लड़के ने मारा है वो निखिल का दुश्मन था, वो जानबूझ के मेरे भाई को उस जगह पे लेके गया, उस जगह पे बुलाया, 10,000 उसने पहले उड़वा दिए, 50,000 मंगाए थे, और उस जगह पे जानबूझ के लेके गया जहाँ पे उसका दुश्मन रहता था। उसे पता था कि ये उसकी चक्कर में ये लड़ेगा और दोनों की मिलके साजिश हो सकती है। हमें कुछ नहीं पता, हमारे लिए कातिल निखिल है और वो भी है, दोनों को सजा होनी चाहिए। बट निखिल को तो छोड़ दिया है ना पुलिस ने, ये पुलिस की और निखिल की क्या साठगांठ हुई है हमें नहीं पता, पर कातिल दोनों है, निखिल भी और वो भी, और निखिल को छोड़ दिया गया हमें नहीं पता, उसको सरकारी गवाह बना दिया गया, पर हमारे लिए अब भी हमारा शक पूरा उस पर ही निखिल पे ही है, वही अपराधी है। तो आपको क्या लगता है कि निखिल को कैसे छोड़ दिया, अगर उसका गुनाह है, अगर वो गुनहगार है तो उसको छोड़ा क्यों? ये पुलिस की और उसकी आपस की साठगांठ हो सकती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पर उसको पैसा मिला होगा पुलिस। निखिल की दादी जो है उसकी दादी ने उसको पैसा दे दिया, पुलिस वालों को सरकारी गवाह बना दिया। जब निखिल के आगे सारी वारदात हो रही थी वो खड़ा होकर उसका बाप और निखिल छत पे से देख रहे थे। अगर वो चाहते तो 100 नंबर पे फोन करते, ये उसका भाई है इसको फोन कर सकता था, तेरे भाई के साथ ये सब हो रहा है, बिल्कुल घर के नीचे हुआ है, इनको कुछ नहीं पता बिल्कुल भी। और जब हो गई है वारदात वो भाग गया मारकर, जब पुलिस थाने पहुंच रहा जाकर निखिल और निखिल का बाप के सरकारी गवाह, पुलिस वाले बोल रहे ये सरकारी गवाह इसका कुछ नहीं कर सके, और पर निखिल ने ही करवाया जो भी करवाया है। पुलिस वाले लड़के क्यों खा रहे, पुलिस वाले क्यों ना कर रहे सच्ची बात, निखिल ने ही तो बालक बुलवा, निखिल ने ही रुपया मंगा दिया, निखिल ही छोड़ दिया पुलिस वाले ने, हराम खाने ने नीचे बुलाया पुलिस, निखिल ने छोड़ दिया और उसकी दादी ने उसको पुलिस वालों को पैसा भरा, हमें निखिल को अंदर करवाना है, हमारे को निखिल जब तक नहीं होगा हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, उसको हमें अंदर करवाना है, उसे फांसी दिला। उसने 2-3 बार चोरी करी है, मारने की धमकी देता है, ऐसे किसके बच्चे पाल रहे हैं, वही हमारा भाई बच जाता अगर वो सही टाइम पे फोन कर देता यहाँ पे कि तुम्हारा। आप हेमंत की क्या लगती है? मैं बहन हूँ उसकी, सगी। हाँ मैं उसकी बहन हूँ, अगर सही टाइम पे वो फोन कर देता ना तो हमारा भाई बच जाता, 1 घंटा वो यूं ही पड़ा रहा। पूछने पर भी मेरे पिताजी ने उससे पूछा मेरा लड़का कहाँ है, उसके पापा से पूछा कहाँ है, उसके पूरे परिवार को पता था कि मेरे भाई का मर्डर हो चुका है, मेरे पिताजी उससे पूछ रहे हैं मेरा लड़का कहाँ है, वो नहीं बता रहा, और खुद बचने के लिए वो जानबूझ के अपने घर पे गया और फोन कर दिया ताकि वो सरकारी गवाह बन सके, और वहाँ पे उसने पुलिस 100 नंबर पे फोन कर दिया और खुद बच गया, उसके सारे काम हो गए और पुलिस वालों को भी उसने पैसा दे दिया। निखिल की सोची समझी शादी है ये, निखिल ने ही करवाया है। मतलब आप कह रही हो कि निखिल ने जानबूझ के वो उधर ले गए, वहाँ पे ले गया, निखिल ने पैसा दिया उसको मारने के लिए हमारे भाई को, निखिल तो उसका अच्छा दोस्त था तो वो ऐसा क्यों करेगा, वो इतना अच्छा दोस्त नहीं था, वो तो खुद उसको लूटता था, पुलिस खबर करने की जगह हमारे घर इतना अच्छा दोस्त होता है, सामने दोस्त का मर्डर हो रहा है तो तू डर के मारे नहीं आ रहा, ठीक है हम समझ सकते नहीं आ रहा, पर घर साथ साथ में फोन कर देता, सबके नंबर है हमारे घर में, फोन उसको मरता हुआ छोड़ दिया यहाँ पे और घर में घुस गया, 100 नंबर पे फोन करा। निखिल का झगड़ा हुआ है 17 तारीख को, कोई गुंडों से हेमुता है नहीं हो झगड़े में, तो कह दे उन्होंने के गुंडे निखिल ने उनके गुंडों को किसी के मारा, तो नितिन ते कह रहे हैं वाते निखिल ते वो छोरा के हम तो जानते मार देंगे, ये बात 2-4 दिन बाद हम भूल ले, हमारे लड़के को बताई होगी निखिल ने कि मेरे को मारने की धमकी दी है, तो मेरा बेटा हट्टा कट्टा छोड़ो, वो तो कह रहे मेरे साथ रहियो, मेरे साथ रह जाइयो, हाँ मेरा लड़का साथ मारता रहेगा, उसकी दादी वो मारता रहेगा ऐसे सबको, और वो सजा उसकी दादी नोट भर भर के अपने मकान है मैं किराएदार ने मेरा बेटा मरवा दो 5 मिनट में। वो तो हमारा लड़का बुलाया तो उसने अपने भाई क्यों ना बुलाया, अपना बाप क्यों ना बुलाया, चाचा क्यों ना बुलाए, उनको बुलाता, हमारे लड़के को मरवाने के लिए बुलाया ना,
औरत का दलाली है वो पैसे भरती है, वो लाती है छोड़ा छोड़ा के, वो बोलना चाह रही है यहाँ का, उसको वो दादा बनाना चाह रही है इधर का, वो ऐसे खून करवाएगी और दादा बना के रखेगी अपने लड़के को, छुड़वा के लिए आई देख रही है, मतलब बाप देख रहा है और निखिलने वाला अंदर करवाना है, उसे फांसी होनी चाहिए। हमारा हमारा भाई गया, हमारा तो भाई गया, या तो हम ऐसे ऐसे फिलदलतन को फांसी होनी चाहिए, फांसी। अगर नहीं तो ये अगर फांसी ना दोगे तो ये हमारे लिए और इल्जाम पे इल्जाम करते रहेंगे। ये यहाँ पे जो है अपने सी ब्लॉक में जो है ऐसे दिलों को फांसी होनी चाहिए, फांसी दिलवाने को हमारा वो है, फांसी होनी चाहिए। हजार आदमी सुबह के टाइम काम पे से आया वो 4:30 बजे करीब, 4:30-4:45 बजे, तो उसको यहाँ एक लड़का रहता है निकल निकल, उसका यार दोस्त है, उसने रोक लिया, उसके बाद में यहाँ जो उसको चाकू मारे, मैं ऊपर जीने पे खड़ा था लेटरिंग बाथरूम करके निकला था, तो मैंने देखा उसको नीचे मार रहे, जब तक मैं आया था वो ख़त्म हो गया था। अस्पताल ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने डेथ बोल दिया गुरु गोविंद। तो निखिल ने मारा है आपके बेटे को? निखिल ने नहीं मारा, दो लड़के और थे, वो एक को नकटा बोलते थे और एक को गंजा बोलते हैं, वो 25 गज में रहते हैं, हम 80 गज में रहते हैं। हमारा कोई लड़ाई दंगा या किसी से तू तू में कोई मतलब नहीं, करीब हमें 35-40 साल हो गए हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा कोई तू तू में कोई समाज में किसी बहन बेटी से कोई छेड़ा किसी तरीके का कोई रोल नहीं है, कोई भी समाज में नहीं बोल सकता इस बात। तो आपके बेटे का झगड़ा हुआ क्यों था? कुछ नहीं, हमारे बेटे का कोई झगड़ा नहीं, वो झगड़ा दूसरे लड़के का था निखिल का, निखिल बच गया, निखिल भाग गया और मेरे बेटे को उन्होंने रोक के वहाँ उसको मार दिया। वो गाँव वाले मामा चाय वाले की दुकान पर झगड़ा करा, उसके बाद यहाँ गली में ला के मार दिए उसको। मैं पीछे जब देखा नीचे तो मेरे बेटे के साथ में वारदात था, पांचवी मंजिल पे, और ये लड़के का केस था नीचे का, जब ऊपर से नीचे उतर गया तब तक ये काम हो गया था। बच्चे जो देख रहे हैं इसमें ऊपर पांचवी मंजिल पे था, बैक साइड में लड़का नीचे ग्राउंड में था, जब तक मैं ऊपर से नीचे आया जब तक काम हो चुका। तो दोनों गिरफ्तार हैं अब? तो एक गिरफ्तार, एक फरार, एक अभी भी फरार है, पुलिस के अकॉर्डिंग फरार है, एक गिरफ्तार हुआ है बस। सर दोबारा बोलिए। पुलिस के अकॉर्डिंग एक पकड़ा गया है और एक फरार है, जो कि उसकी अभी तलाशी चल रही है, हमारे को जैसे थाने से बताया गया है। जैसा कि आपने देखा ये दिल दहलाने वाली घटना, यहाँ पे 25 साल का इनका लड़का बेरहमी से मार दिया गया, जबकि उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। बड़ा सवाल ये है कि अगर कि निखिल ने उसका हेमंत का कत्ल किया है और निखिल ने अगर उसको फ़ोन किया है तो उसने निखिल ने हेमंत को फ़ोन किया तो किया क्यों, ये कारण अभी तक पुलिस ने नहीं बताया है। मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क।